नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम द्वारा नेशनल हाईवे में नेहरू नगर से पावर हाउस तक सड़क किनारे बदतरतीब ढंग से खड़े वाहनों व कंडम वाहनों के खिलाफ कार्यवाही कर कुछ वाहनों को जब्त करने के साथ वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। नेशनल हाईवे में सर्विस रोड के किनारे खड़े कबाड़ और कंडम वाहनों को हटाने नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सोमवार से अभियान शुरू किया गया। नेहरू नगर से आरंभ हुए अभियान में बड़ी संख्या में यातायात के कर्मचारी और नगर निगम जोन एक के राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। कोसा नगर में कार्रवाई के दौरान वाहन मालिकों से विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। यहां लंबे वक्त से खड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे वाहनों को क्रेन की मदद से जब्त किया गया। इस दौरान कई वाहनों को कार्रवाई होता देख वाहन मालिकों द्वारा हटा दिया गया। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे भी कबाड़ वाहन खड़े नजर आए, जिसे यातायात पुलिस की टीम द्वारा हटाया गया। मौके पर अनेक वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूल किया गया। कार्रवाई के लिए नगर निगम और यातायात पुलिस की टीम अपने संसाधनों JCB डंपर से लैस होकर मौके पर पहुंचे हुए थे। कार्रवाई की जानकारी मौके पर मौजूद नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी। नेशनल हाईवे के किनारे प्रारंभिक तौर पे अभी ये अभियान जो है आज से शुरू हुआ है। माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा जो है कंडम वाहने जो है जो बेगति वाहने खड़ी हैं उनको हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, और यातायात विभाग के समन्वय से, पुलिस प्रशासन के समन्वय से और निगम के समन्वय से जो है आज संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल हाईवे के किनारे से जितनी भी वाहने हैं जो बेगति वाहने हैं और उनको क्या है नोटिस भी दिया जा चुका है पूर्व में और सूचनाएँ भी दी जा चुकी हैं, फिर भी जो लोग अपने वाहनों को नहीं हटाए हैं, जो कबाड़ वाहने रखे हैं, कंडम वाहने रखे हैं, उन पर आज कार्रवाई अभियान जो है संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। और यह अभियान जो है आज दिन भर की कार्रवाई इसमें चलेगी और लगेगा तो आगे भी इसकी कार्रवाई करेंगे। तो इसकी प्लानिंग बड़ी अच्छी की जा रही है। माननीय आयुक्त महोदय ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी ध्यान देने के लिए जो प्लानिंग जो कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया हुआ है, और इसी तरह जो है आगे जहाँ पे जो वाहने हटाई जा रही हैं उस पे सौंदर्यीकरण का जो है वो प्लान तैयार कर रहे हैं हम लोग। हालाँकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें NH में केनाल नाली का निर्माण भी किया जा रहा है, ओवरब्रिज का भी निर्माण हो रहा है, उन सभी पहलुओं को देखते हुए इस पे जो है वो प्लानिंग की जा रही है। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर सड़क किनारे कंडम और बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को हटाने अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसे वाहन मालिकों को वाहनों को हटाने पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। कंडम और बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था बाधित रहती है। सुपेला चौक से पावर हाउस तक अनेकों कंडम वाहन सर्विस रोड के किनारे खड़े देखे जा सकते हैं। पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री में लगे लोगों ने सर्विस रोड को ही वाहन स्टैंड में तब्दील कर रखा है। पूर्व में भी इन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद फिर से कंडम वाहनों को सड़क किनारे खड़ा किया जाने लगा। तब से अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।